लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 91 दिन बाकी हैं, मगर राजस्थान के रण में आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरा दमखम झोंक दिया। आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर, लेकिन शो की शुरुआत पीएम मोदी के मथुरा दौरे के साथ करेंगे। राजस्थान में चुनाव प्रचार के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्ण नगरी मथुरा का रुख किया। यहां सबसे पहले प्रधानमंत्री ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान में दर्शन किए, पूजा पाठ किया, जिसके बाद मीराबाई पर डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का भी उनकी ओर से जारी किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सांसद मथुरा की हेमा मालिनी भी मौजूद रही। मथुरा में 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले ब्रज रज उत्सव में कृष्ण भक्त मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 32 साल के बाद कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए पहुंचे। बतौर प्रधानमंत्री कृष्ण जन्मभूमि में पीएम मोदी का यह पहला दौरा था जहां पर जाकर उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। ये कोई साधारण धरती नहीं है, ये ब्रज तो हमारे श्यामा श्यामजू का अपना धाम है। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे।